एनर्जी सोर्सेज, एनर्जी की हर जिस्म को कुछ ना कुछ काम करने के लिए ज़रूरत होती है, चाहे वो हम जैसे जानदार इंसान हो या फैक्ट्रीज में काम करने वाली बेजान मशीनरीज। एनर्जी सोर्सेज को हम लोग दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, एक वो जिसे हम लोग नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज कहते हैं और दूसरा वो जिन्हें हम लोग कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज की कैटेगरी में रखते हैं। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज ऐसे सोर्सेज हैं जिन पर डिवेलपमेंट का प्रोसेस किया जा रहा है कि इन्हें किस तरीके से ज़्यादा बेहतर वे में इस्तेमाल में लाया जा सकता है। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज ऐसे सोर्सेज होते हैं जिन्हें बार बार इस्तेमाल के काबिल भी बनाया जा सकता है, यानी कि ये रीन्यूएबल होते हैं, ये इन्हें इनएग्जॉस्टेबल भी होते हैं, इनसे कोई भी पोल्यूशन पैदा नहीं होती, यानी कि हमारे इन्वायरमेंटल को इनसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज में सोलर एनर्जी भी आ जाती है जो कि सन से हासिल होती है, यानी कि सोलर एनर्जी भी नॉन कन्वेंशनल एनर्जी का ही एक हिस्सा है। सूरज से जो एनर्जी हासिल होती है उसे हम एज अ हीट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एज अ हीट सोर्स, और उसे हम लोग एज अ इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि इससे जो एनर्जी हासिल होती है सन से उसे हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सूरज से जो एनर्जी हम लोग इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं उससे हम लोग सोलर पैनल्स भी बना सकते हैं, सोलर सेल्स भी बना सकते हैं, इससे हमें एनर्जी भी हासिल होती है और पावर भी हासिल होती है। अब सोलर एनर्जी को एज अ हीट हम लोग किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं? एज अ हीट सोर्स हम सन से हासिल होने वाली एनर्जी को एज अ हीट सोर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके में हम लोग ये करते हैं कि जो वाटर है लिक्विड स्टेट में उसे हम लोग इतनी हीट देते हैं कि वो कन्वर्ट हो जाता है स्टीम फॉर्म में। जब ये वाटर स्टीम फॉर्म में आ जाता है तो इसे हम लोग मुख्तलिफ टर्बाइन्स वगैरह रन करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी इस सोर्स को, हीट सोर्स को इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि एक डिवाइस है जिसे हम लोग कलेक्टर कहते हैं, इस डिवाइस के ज़रिए हम लोग जो है कोल्ड लिक्विड वाटर उसे हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं स्ट्रीम वाटर में। यहाँ से जो कोल्ड वाटर है वो इसमें दाखिल होता जाता है और जब वो सोलर सेल जो है वो हमारा सोलर कलेक्टर यहाँ तक जाता है तो उसके बाद वो दोबारा यहाँ से हीट अप होकर, बहुत ही ज़्यादा हीट होकर दोबारा जो हमारे बॉयलर की तरफ आ जाता है, और जब बॉयलर में ये वापस आता है तो इस पॉइंट पर जब ये बॉयलर में दोबारा आता है तो ये वाटर जो है हमारे पास इस वक्त गैशियस स्टेट में आ जाता है जिसे हम लोग टर्बाइन्स वगैरह रन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये मुख्तलिफ पाइप्स वगैरह होते हैं और इसकी सरफेस ये जो है बहुत ही ब्लैक एंड होते हैं, और जो ब्लैक सरफेस होती है वो चूँकि सन की रेस को ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है तो इस वजह से जो सोलर कलेक्टर है वो ज़्यादा गर्म हो जाता है और वो वाटर को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर तक हीटअप कर देता है। अब सोलर एनर्जी को हम एज ए इलेक्ट्रिकल सोर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल सोर्स के तौर पर हम लोग इसे किस तरह से इस्तेमाल करते हैं? एज अ इलेक्ट्रिकल सोर्स हम लोग इसे सोलर सेल बनाने के लिए या वोल्टिक सेल बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसे वोल्टिक सेल भी कहते हैं, इन्हें बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो सोलर सेल होता है उसकी कुछ शेप इस तरीके की होती है। एक सोलर सेल इस तरीके से होता है, इसके अंदर ये सिलिकॉन वेफर्स का बना होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सिलिकॉन के। जैसे ही सन की रेज इस पर पड़ती हैं तो जो सोलर सेल के अंदर जो सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूवमेंट शो करते हैं, और जिस जगह ये लगे होते हैं उनकी मूवमेंट की वजह से उस जगह पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। सोलर सेल इतने छोटे छोटे से होते हैं कि हम लोग इन्हें एक ही लाइन पर बहुत ज़्यादा सोलर सेल्स को इकट्ठा करके सोलर सेल पैनल्स बना लेते हैं जिन्हें हम लोग मुख्तलिफ कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। उन्हें हम लोग कम्युनिकेशनल सिस्टम में, वेदर सिस्टम में, फिर उसके बाद हम लोग सैटेलाइट्स में और फिर कैलकुलेटर्स वगैरह में भी इस्तेमाल करते हैं। इन्हें हम लोग एक सिलिकॉन वेफर्स में किस तरह से इस्तेमाल करते हैं उसका भी एक इमेज आपको दिखाती हूँ। जैसे कि ये एक सोलर सेल पैनल है, इस तरीके से हम लोग इसे इस्तेमाल करते हैं। मुख्तलिफ सिलिकॉन वेफर्स को जो कि सोलर सेल हैं वो छोटे छोटे हैं उन्हें अटैच करके इसी तरह से हम लोग एक बड़ा सोलर पैनल लगा लेते हैं जिन्हें हम मुख्तलिफ कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। सोलर सेल पैनल्स को आजकल घरों में भी इस्तेमाल किया जा रहा है, घरों के छतों पर, इमारतों पर इन्हें लगा दिया जाता है जिससे सन की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोड्यूस करने में मदद मिलती है। अब जियोथर्मल एनर्जी के, जियोथर्मल एनर्जी क्या है अब उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। जियोथर्मल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी वो एनर्जी है जो ज़मीन
के अंदर से प्रोड्यूस होते हैं, यानी जमीन के अंदर से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसे हम लोग जियो थर्मल एनर्जी कहते हैं। ये एनर्जी मुख्तलिफ टाइप की होती है, यानी जमीन के अंदर ये एनर्जी किन के वजूहत की वजह से पैदा होती है। एक तो ये कि जमीन के अंदर इग्नियस रॉक्स हैं जो कि बहुत ज्यादा गर्म होती हैं, उनकी गर्माहट की वजह से भी जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस होती है जो जमीन से बाहर आ जाती है। ये रॉक तकरीबन 10 किलोमीटर की हाइट पर जमीन के गहराई में होती है और इनका टेम्परेचर तकरीबन 200 डिग्री सेल्सियस के करीब होता है। इसके अलावा जमीन के अंदर जो है मुख्तलिफ मटीरियल्स मेटल्स होते हैं, उनके कंप्रेशन की वजह से भी जो थर्मल एनर्जी पैदा होती है, जिसे हम लोग कंप्रेशन ऑफ मटीरियल कह सकते हैं, कंप्रेशन ऑफ मटीरियल्स। इसके अलावा रेडियो एक्टिविटी डिके भी होता है, जो अर्थ के अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं तो उनके डिके टूटने की वजह से भी जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो जियोथर्मल एनर्जी की कैटेगरी में आती है, यानी कि रेडियो एक्टिविटी एक्टिव डिके, इनके टूटने की वजह से भी जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो जियोथर्मल एनर्जी की कैटेगरी में ही आती है। जियोथर्मल एनर्जी से यानी कि ज़मीन से हम लोग एनर्जी फिर मुख्तलिफ स्प्रिंग्स और गीजर्स वगैरह की सूरत में ज़मीन से बाहर निकालते हैं और मुख्तलिफ पर्पसेस में जियोथर्मल एनर्जी को हम लोग यूटिलाइज करते हैं। इसी तरह एक एनर्जी है जो बायोमास है, यानी कि बायोमास से जो एनर्जी हासिल होती है उसे भी हम लोग जियोथर्मल एनर्जी, वो भी नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज की कैटेगरी में आती है। बायोमास में को क्रॉप्स रेजिड्यू आ जाता है, सारा का सारा वेस्ट प्रोडक्ट्स आ जाता है, और इसमें जो एनिमल ह्यूमन सेल्स भी आ जाता है, ट्रीज वगैरह भी इसमें आ जाते हैं जो गल सड़ जाते हैं, जो इनसे भी एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती है। बायोमास से जो एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है वो दो तरीके से की जाती है, या तो एक डायरेक्ट मेथड इस्तेमाल किया जाता है, डायरेक्ट मेथड होता है जिसे कहते हैं, और एक फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है। डायरेक्ट मेथड हम लोग सिर्फ सॉलिड्स के लिए अप्लाई करते हैं जो कि सॉलिड्स होते हैं, और फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस है हम लोग फ्लूइड्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो कि जैसे कि लिक्विड्स आ सकते हैं इसमें और गैसेस भी इसमें आ सकती हैं। अब जो डायरेक्ट मेथड है उसके ज़रिए तो हम लोग सॉलिड्स वगैरह को जो है डिकम्पोज करके उनसे दोबारा से एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, और फर्मेंटेशन में हम लोग लिक्विड वगैरह लगा लेते हैं जिनमें बायोफ्यूल आ जाता है। अब इस तरीके के लिए हम लोग एक डिवाइस इस्तेमाल करते हैं जिसे हम लोग डाइजेस्टर कहते हैं। वो तकरीबन उसकी कुछ शेप इस तरीके की होती है कि वो डाइजेस्टर ऐसा होता है, डाइजेस्टर जो है कि इसके अंदर हम लोग मटेरियल्स रखते हैं और उनकी जब उनकी डाइजेशन हो जाती है तो उसके बाद यहाँ से मीथेन गैस निकलती है जिसे हम लोग CH4 कहते हैं। ये गैस जो है हम लोग कुकिंग में इस्तेमाल करते हैं, मतलब घरों में इस गैस को इस्तेमाल किया जाता है खाना वगैरह पकाने के लिए, और गैस बनने के बाद जो यहाँ पे बाकी मटेरियल रह जाता है उसे हम लोग एज अ फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर लेते हैं क्रॉप्स वगैरह के लिए। तो इस तरीके से कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होती, बल्कि बायोमास से हम लोग बायोमास को हम लोग डाइजेस्टर में डालने के बाद उससे मीथेन गैस भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, और साथ ही साथ बचने वाले मटेरियल को जो रेजिड्यू बच जाते हैं उसे हम लोग एज अ फर्टिलाइजर क्रॉप्स वगैरह में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब टाइडल एनर्जी से भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ये भी नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स का ही एक तरीका है। टाइडल एनर्जी ऐसी एनर्जी होती है जो कि बहुत बड़ी वेव से प्रोड्यूस होती है। टाइडल एनर्जी के लिए ओशन में बहुत बड़े बड़े डैम्स बनाए जाते हैं, जैसे कि फर्स्ट कह लीजिए ये एक ओशन है और इस तरह का कोई डैम है जो कि समुंदर के अंदर ही बनाया गया है। अब इस डैम को बनाने का मकसद ये है कि जब ओशन से बहुत ही तेज़ी से वो टाइड्स वगैरह जो कि मून और ज़मीन की अट्रैक्शन की वजह से पैदा होती हैं, जैसे वो इस डैम की तरफ आती हैं तो इस डैम में रिजर्वायर और वॉल्व्स लगे होते हैं, वो खुद ब खुद खुल जाते हैं और पानी इस डैम के अंदर स्टोर होना शुरू हो जाता है। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता समुंदर की ये जो ऊंचाई है वो कम होना शुरू हो जाती है और ओशन इस तरफ बेसन की तरफ जो है पानी ज़्यादा जमा होना शुरू हो जाता है। जब समुंदर का पानी बिल्कुल ही कम हो जाए तो ये वॉल्व्स खोल दिए जाते हैं और ये पानी दोबारा बहुत तेज़ी के साथ समुंदर की तरफ वापस जाता है। जब ये वापस जाता है तो डैम्स में लगे हुए टर्बाइन को रोटेट करते हैं, उनकी रोटेशन की वजह से भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है जिन्हें हम मुख्तलिफ पर्पसेस में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ये टाइडल एनर्जी जो कि रिन्यूएबल होती हैं। ये इतनी तेज़ी से उठती हैं, तकरीबन इनकी हाइट अप एंड डाउन 25 सेंटीमीटर होती है, जो कि दिन में तकरीबन 2 दफ़ा अल्टरनेटिव होती हैं।
तो इसकी वजह से डैम में जब ये इतनी तेजी से आती है तो पानी स्टोर हो जाता है, और जिस तरह डैम में आती है या डैम से बाहर निकल कर ये पानी जाता है तो इतनी ही तेजी से जाता है कि डैम में लगे हुए टर्बाइंस वगैरह को रोटेट कराता है, जिनकी रोटेशन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है। इसके अलावा एक विंड एनर्जी है, यानी कि हवा से भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जिसे हम लोग विंड एनर्जी कहते हैं। इस विंड एनर्जी को इस्तेमाल करने के लिए एक मुख्य किस्म के इंस्ट्रूमेंट लगाए जाते हैं, जैसे कि इतने बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट लगाए जाते हैं, इतने बड़े फैंस होते हैं जिनके विंग्स होते हैं। जब हवा, ये अमूमन समुंदर के किनारे पर या समुंदर में लगाई जाती है, क्योंकि वहाँ पर हवा बहुत तेज़ी के साथ चलती है, और जब हवा चलती है तो ये इनके विंग्स बहुत तेज़ी से रोटेट करते हैं, और इनकी रोटेशन के साथ इनके साथ जो इंस्ट्रूमेंट लगाए जाते हैं, जो मोटर्स या जनरेटर्स वगैरह लगाए जाते हैं, इनके रोटेशन की वजह से वो जनरेटर जो है मूव करना शुरू कर देते हैं, और उनकी मूवमेंट से भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इस तरह से विंड एनर्जी को भी हम नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि करने की कोशिश की जा रही है, और काफ़ी प्लांट्स इस तरह के हम लोगों ने बना लिए हैं जिससे कि एनर्जी को इस्तेमाल में लाया जा सके। तो ये कुछ नॉन कन्वेंशनल कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज के बारे में था कि हम इन्हें किस तरह से इस्तेमाल करते हैं और ये कौन कौन से सोर्सेज होते हैं।